तो मैं चलूं? इंतजार रहेगा आपसे मिलने वाली सौगात का। मिसेस कपूर, सौगात की बात उठी है, एक सौगात हमारी ओर से भी। आपकी फैमिली की जिंदगी मैं लौटा सकता हूं, बशर्ते आपसे एक जवाब मिल जाए। उन नारियल में बॉम्ब छिपे, अगर ब्लास्ट हुआ तो आपकी फैमिली सीधा ऊपर के रास्ते। क्यों लौट के मेरी जिंदगी में? ऐसा क्या छूट गया जिसे छीनने के लिए वापस आई? वापस आई आज बिना जवाब की कोई रिहाई नहीं मिलेगी मिसेस कपूर। तो फिर यूं ही थामे रखिए, मैंने तो शिकायत भी नहीं की। आपकी वो स्मार्टनेस अपने फैमिली के लिए महंगी ना पड़ जाए। शादी का माहौल जरूर है, लेकिन ये कोई मटर गश्ती नहीं। नमस्ते जी, हमें तो लगा हमारे संभी जी के परिवार से शादी में कोई शामिल ही नहीं होगा। ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी बहू के घर की शादी है, और कोई आए ना आए, मुझे तो आना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया, आइए ना जी। अब आप दोनों वरमला और फेरों के लिए खड़े हो जाए। अब आप फेरे लेना शुरू कीजिए, पहले वर चलेंगे फिर वधु। सॉरी मिस्टर व्यास, पर आपके सवालों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अपनों के मुस्कुराते चेहरे भी इस पत्थर दिल को पिघला नहीं पाए। क्या खूब तोहफा देगी एक बहन अपने भाई को, तो भी आज के दिन। तोहफा तो आप देंगे मिस्टर व्यास, मेरे भैया और भाभी को अपना आशीर्वाद देकर। मैं मंडप की तरफ लौट रही हूँ, एंड आई नो इट, ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी। विधि विधान के साथ यह विवाह संपन्न हुआ।
मैं जानती हूँ नरेन कि आप चाहकर भी मुझे या मेरी फैमिली को ऐसा दर्द नहीं देंगे। रिचल, आज से तुम भी हमारे घर की मेंबर हुई। पुराने जमाने में ये छाप घर की एंट्रेंस पे नेम प्लेट की तरह हुआ करता था। चलो हाथ लगाओ उस दीवार पर। जीते रहो बेटा, खुश रहो। मिस्टर व्यास, आप हमारे घर? न्यूली वेड कपल्स के लिए छोटा सा तोहफा। नई गाड़ी मुबारक। मिस्टर व्यास, मेरे तोहफे को किसी सफाई की जरूरत नहीं। चाहो तो नई गाड़ी की तलाशी ले सकती हूँ। अपनी जीत पे इतराने आई हैं आप मिसेस कपूर? मेरी जीत में आपकी हार कैसे मिस्टर व्यास? मुझे आपके रहम की जरूरत नहीं। रहम तो कमजोरों का बहाना है। आपको कब से ऐसी आदत लग गई? कभी मोहब्बत की लत लगी थी हमें, तब से तबाही ने पीछा ही नहीं छोड़ा।
क्या खुद को यूं ही जलाते रहेंगे आप मिस्टर व्यास? यही तो दिक्कत है मिसेस कपूर। ये क्षमा भी ज्यादा तक साथ नहीं देती। खैर जाने दीजिए, आपकी जीत हुई है, आपका मूड की ऑफ करें। क्या आपके साथ सेलिब्रेट करने की इजाजत है हमें? घबराइए मत, ड्रिंक्स आपके पसंद की होंगी। नरेन, पूजा आज सब बोलेगी, दिल में दफन हर राज खोलेगी। इरादा क्या है मिस्टर व्यास? एक बार फिर आपका साथ आजमाने की चाह। कहीं ये आजमाइश आपको हैरान ना करते? कुछ बातों का फैसला वक्त पर छोड़ देना ही समझदारी कहलाती है मिसेस कपूर। तुम्हारा असली चेहरा मुझे मेरे नरेन के करीब ले जाएगा। आज हवाओं में भी मदहोशी है या फिर ये आपके साथ का नशा है? बस तेरा नाम है, तुझे चाहना।
सुबह शाम जानम आई लव यू यू लव मी जानम आई लव यू यू लव मी साए चिलमन बनाए आ मैं दीवानी इनको हटा दूं देखूं तेरा चेहरा ठल। साल भर उन औरतों के नखरे झड़े और सब की सब उस मिसेस कपूर की कौड़ियों पर बिक गई। कितना अच्छा प्लान बनाया था भाई का चैप्टर खत्म करने के लिए, वो भी चौपट। मॉम आप कम से कम इतना तो मैनेज कर लेती। What do you think, राहुल? मैं नहीं चाहती कि नरेन हमारी लाइफ से बाहर जाए। मैं नहीं चाहती तो मिस एम्पायर के सरताज बनो। तो आई डोंट नो इस पर पूजा कौन सी ओवर कॉन्फिडेंस की दवा लेके आई है कि हमारा हर दांव उल्टा पड़ रहा है। मेरी बात मानो, जब तक हमारे हाथ पूजा की कोई कमजोर कड़ी नहीं लगे तब तक हम दोनों को बैकसीट ले लेनी चाहिए। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है मॉम कि आप मिसेस कपूर से ऑलरेडी डर गई हैं। यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं कि ताई जी की अच्छी बहन बनते बनते अब सच में बह गई? Listen, राहुल, Let it be more. मिसेस कपूर की कमजोर नफ्स का टेंशन आप मत लीजिए, बहुत जल्द मैडम जी का इलाज हो जाएगा। इन आंखों पर ये पर्दा क्यों? कहीं इन पलकों के पीछे गहरे राज तो दफन नहीं? राज तो कहीं छिपे पर बस इन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं। आपकी इजाजत हो तो एक कोशिश हमारे नाम भी कर दीजिए। लीजिए हर इजाजत आपके नाम। तो फिर इस इजाजत के नाम पे एक सवाल। यूं मेरे जिंदगी में लौट आना, मेरे घर में घुसपैठ करना, मेरे फैमिली पे अपनापन बरसाना और एकदम से मेरी जान लेने की कोशिश, आखिर मिसेस कपूर चाहती क्या है? चलिए किसी को तो हमारी चाहतों की फिक्र हुई पर मैं इस दिल ने तो तन्हाई के साथ समझौता ही कर लिया था। फिर तो दिल के राज खोल ही दीजिए मिसेस कपूर, शायद हम आपकी तन्हाई को साथ दे पाए। इस साथ के लिए तो मैं अपना सब कुछ वार दूं। इस दिल ने भी आपके सिवा कभी किसी और को चाहा ही नहीं।